नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। बिजली निगम कर्मचारियों का धरना जारी। बिजली कर्मचारियों से मारपीट करने वालों की गिरफ्तारी के लिए मांग की जा रही है। अधीक्षक अभियंता कार्यालय के समक्ष दिया जा रहा है धरना। सरकार व प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की जा रही है। पल पल सिरसा से मार्च जाने की विशेष रिपोर्ट। बकाया बिल उपभोक्ताओं का कनेक्शन काटने के लिए टीम के साथ मारपीट करने के विरोध में बिजली निगम कर्मचारियों का धरना लगातार भी जारी है। कर्मचारियों द्वारा बरनाला रोड स्थित अधीक्षक अभियंता निगम कार्यालय के समक्ष धरना दिया जा रहा है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर के नारेबाजी भी की गई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि राम कॉलोनी निवासी भाजपा नेता व अन्य ने मारपीट की है, सरकारी कार्य में बाधा भी डाली और जान से मारने की धमकी दी गई। सिविल गार्ड थाना पुलिस में मामला दर्ज कर लिया गया है, लेकिन अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर के लगातार कर्मचारियों ने नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि शीघ्र ही आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो प्रदेश स्तर पर आंदोलन शुरू किया जाएगा। HSEB वर्कर्स यूनियन के नेता अविनाश कंबोज ने बताया कि महिला जेई से दुर्व्यवहार करने व कर्मचारियों के साथ मारपीट करने के दोषियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर के धरना व प्रदर्शन किया जा रहा है। जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि मारपीट करने वाले लोग सत्ता का भय दिखा करके उनकी आवाज़ को दबाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कर्मचारी कभी भी और किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप देख रहे हैं पल पल की विशेष रिपोर्ट अमर सिंह जानी के साथ। आज जो हमारा प्रदर्शन है लगभग एक हफ्ता पहले हमारी संस्था की टीम जो डिफॉल्टिंग अमाउंट है पीढ़ी से पीढ़ी से करनी जाती है, उसके ऊपर राम कॉलोनी के अंदर कुछ साथी जिन का बकाया बिल था लेकर के गए, उन्होंने उस टीम के साथ हस्तापाई की, झगड़ा किया, उसको लेकर हमारा जो विरोध प्रदर्शन है तक उनकी गिरफ्तारी होती है। इनसे उसको लेकर के कर्मचारी में पूरे सशक्त के कर्मचारी में भारी रोष है और हम अपील करते हैं सिविल प्रशासन से, सरसा पुलिस से, समय रखते उनको गिरफ्तार करके हमारे कर्मचारी को न्याय दिलाया जाए, ताकि समय रखते हम आम जनता की जो सेवा है वो भी सुचारू रूप से कर सके और किसी प्रकार का जो कर्मचारी को प्रमाण संभाल है वो भी उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। तो आज जो हमारी संघर्ष सुनती है तो बैठ के फैसला लेगी। प्रशासन अगर हमारे से समय मांगना चाहता है हम समय लेने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन न्याय जरूर चाहिए और जो नियुक्त कमेटी फैसला करेगी और इतना अगर फिर भी पुलिस प्रशासन या सिविल प्रशासन में अगर उनके साथ हमारे पूरी जो बात है वो स्टेट कमेटी के अंदर की जाएगी। आज जो स्टेट कमेटी है वो तो फैसला लेगी। हो बर्बाद, मोदी सरकार हो बर्बाद।